हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त बैक अगेन विद अ न्यू प्रैक्टिस पेपर। दिस इज़ इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर 19। सो गाइस, आप सभी लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो अगर आपने इसका एक भी वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कर लिए हैं। इंग्लिश पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि इंग्लिश में आपको सेपरेट पास होना ज़रूरी है। आप अगर एक्स के लिए हो या वाई के लिए, तो इंग्लिश आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, इसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिलेगी, सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको नीचे इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। तो इनकरेक्ट पार्ट आपको यहाँ पे बताना है, द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन टर्न्ड आउट टू बी ए रोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आपके पास एरर क्या है, यहाँ पे देखिए द मैन हु, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हु शुड बी रिप्लेस बाय हुम, बिकॉज इन दिस सेंटेंस देर आर थ्री सब्जेक्ट्स एंड टू मेन वर्ब, सो हुम शुड बी कम इन प्लेस ऑफ हु। तो हु की जगह आपको होम का यूज करना कंपलसरी है, रीजन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि फिल इन द ब्लैंक्स, द विलेजर्स ब्लैंक द मर्डर ऑफ देयर लीडर्स बाय बर्निंग द पुलिस वैन। क्या कर रहे हैं लोग, विलेजर गाँव के लोग मर्डर का क्या कर रहे हैं, लीडर बर्निंग देयर पुलिस वैन, उसकी पुलिस की वैन को जला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, मर्डर का क्या कर रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रोस्टेड वर्ड है, इसका मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, प्रतिवाद करना, विरोध करना। तो ये आपका सही हो जाएगा, लोग उसका विरोध जता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट आपके पास में कि फिल इन द ब्लैंक विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब में क्या होता है, 8 प्रकार की एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसी प्रकार से बहुत सी एडवर्ब होती हैं। तो यहाँ पर आपको पहला है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एडवर्ब की यूज होगी। रमेश ब्लैंक गोज टू द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का मतलब होता है रंग भवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश ऑलवेज गोज टू द ऑडिटोरियम, रमेश हमेशा ऑडिटोरियम रंग भवन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास में फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा USA इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द USA इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे क्यों जाएगा, इन दिस सेंटेंस केक वर्ड इज इनडेफिनेड इनडिफाइंड, केक वर्ड इज इनडिफाइंड हैंस इट विल बी टेक द, जो केक वर्ड है यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया उसे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। यानी कि USA यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, तो इसके पहले आपको द लगाना होगा। तो उसके बाद है आपका आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट, यू विल बी लेट इफ यू डू नॉट लीव नाउ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा इस ब्लैंक की जगह, या आप नो एरर भी कर सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट अगर सही है तो। सबसे पहले आप देखिए, यू विल बी लेट, आप क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ, अगर तुम अभी नहीं छोड़ते हो। तो देखिए प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट के लिए डू ही आता है। अब यहाँ पर आपके देखेंगे तो डिड है, विल है, तो फ्यूचर की बात कर नहीं रहा है, ये पास्ट की बात नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बहुत दिनों से ऐसे क्वेश्चन की तलाश कर रहा था कि नो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन हो, सभी में एरर होती है लगभग, यहाँ पे इसमें ही नो इम्प्रूवमेंट आपका होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि नो इम्प्रूवमेंट ही हो, तो लेकिन आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, समझ में आ गया तो आपको अच्छे से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है चूज द वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस, वन हु कीप्स द बर्ड्स, जो क्या करता है, पक्षियों को रखता है, उसे क्या बोलेंगे, इस स्थान को क्या बोलेंगे, वो होगा एवियरी, एवियरी। देखिए मैंने आपको वन वर्ड में करवाया था, एवियरी होता है पक्षियों को रखने का स्थान, और रूट वर्ड में भी आपको बताया था कि एवी जो आपका कोड वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, पक्षियों के लिए यूज होता है। अगर आपको ये ध्यान होता तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को टिक कर सकते थे, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है रूट वर्ड देखना, ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए चूज द वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस, तो यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है, तो ये तो हमने कर लिया, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेंज द वॉइस, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोमिस शुड बी कीप्ड। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर ये वन को इसको मिक्स कर दिया, तो ये कि यहाँ पे ये वन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोमिस शुड बी कीप, प्रोमिस को क्या करना चाहिए, हमेशा उसको कीप यानी कि रखना चाहिए, प्रोमिस अगर किया है तो उसे निभाना चाहिए, ऐसा कुछ बता रहा है।
तो यहाँ पे प्रोमिस शुड बी कीप हो जाएगा। तो यहाँ पे वन जरूरी नहीं है, जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीप, तो थीप हैज बीन अरेस्टेड यहाँ पे आप बोल सकते हैं, तो पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि पुलिस ही उसे अरेस्ट करेगी, तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रोमिस शुड बी कीप्ड हो जाएगा। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, वोसिफरियस आपके पास में वर्ड है, तो इसका मतलब होता है आपके पास में शोरगुल करना या कोलाहल करना, वोसिफरियस, इसका एंटोनियम बताना है। तो आपको आसानी से दिख जाएगा क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत होता है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। लेकिन आपको वोसिफोरियस का मतलब पता होगा तभी आप क्वाइट से जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका लेड्यूएबल। ठीक है, लेड्यूएबल का मतलब सराहनीय, प्रशंसनीय काम किया हो किसने, तो उसे लेड्यूएबल बोलते हैं। डेंजरियस आपके पास खतरनाक हो जाएगा, पावरफुल आपके पास शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। वेनरेट आपके पास में वर्ड है, इसका मतलब होता है उपासना करना। और फर्स्ट ऑप्शन है रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब बेकार या अनचाहा, रिमूव का मतलब होता है हटा देना, लव का मतलब क्या होता है, पसंद आना। उसके बाद है रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सम्मान या आदर या इज्जत करना। तो यहाँ पे वेनरेट का मतलब उपासना करना, तो यहाँ पे इसका एंटोनियम तो क्या हो जाता है, रेस्पेक्ट करना, आदर करना, और सिनोनियम हो जाएगा रिमूव करना, हटा देना। ठीक है, उपहास कर रहे हैं उसे, जैसे किसी का उपहास कर रहे हैं हम, उसे नहीं चाहते हैं तो उसे हटा देंगे, तो रिमूव कर देंगे, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही विल डिस्पेंस ब्लैंक योर सर्विसेज, वो क्या है, आपके सर्विसेज से खुश नहीं है, तो क्या होगा आपके पास में, डिस्पेंस के साथ विद प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ही विल डिस्पेंस विद योर सर्विसेज, वो तुम्हारी सर्विसेज के साथ क्या है, खुश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब। इट लुक हिम ए लॉन्ग टाइम ब्लैंक द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इट टुक हिम ए लॉन्ग टाइम, वो क्या है, एक लंबा समय उसे लेगा, टू कंसिडर, कंसिडर मतलब समझने में, एंड वेट, यानी कि उसको क्या करना है, वेट का मतलब क्या होता है आपके पास में, भार होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे उसको समझने में और कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन का भार उठाने में क्या लगेगा, लॉन्ग टाइम मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कहेंगे यहाँ पे कि टू कंसिडर एंड वेट, ये सही है, लेकिन देखिए टू कंसिडर एंड टू वेट ये सही क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि दो बार प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है, दो क्वालिटी एक साथ बता रहे हैं तो हम एंड से जोड़ के ही बता देंगे। ठीक है, तो टू कंसिडर एंड वेट ये आपके पास में हो जाएगा। उसके बाद है फिल इन द करेक्टली स्प्लेट वर्ड, तो यहाँ पे सही वर्ड आपका हो जाएगा इंडिजेन्यूअस। ठीक है, इंडिजेन्यूअस का मतलब होता है देशज, स्थाई या स्वदेशी भी आप इसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में ये स्पेलिंग सही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज। ठीक है, लोकोक्ति आपके पास है कि अप टू द हिट, अप टू द हिल्ट, यानी पूर्ण रूप से बता रहा है, तो एकदम सही रूप से, तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कम्प्लीटली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम्प्लीट रूप, पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन ईच ब्लैंक्स, तो यहाँ पे सही फॉर्म बताना, ही हैज ब्लैंक हिज वर्क सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, फिनिश्ड हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हैज आ रहा है तो हैज क्या लेता है, वी थ्री, तो यहाँ पे वी थ्री में फिनिश्ड बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव बताना है, द मुगल एम्पायर केम टू एन इग्नोमिनियस एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाना चाहिए, एम्पायर कम उसका अंत आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कम से कम टेंस सेंट पढ़ने में सेंटेंस आपको पढ़ा होगा, तो आपको ये समझ में आ गया कि मुगल एम्पायर का अंत आ गया, तो अंत आ गया तो क्या होगा, वो लास्ट ही बचा हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, तो वो लास्ट एम्पायर मुगल एम्पायर बचा होगा जिसका अंत आ रहा है, तो ना तो लेटर, लेटर का मतलब बाद, लेटेस्ट का मतलब नया, एल्डर मतलब पुराना, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, लास्ट अंतिम रूप बचा हुआ है मुगल एम्पायर, तो उसका अंत आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, कंजंक्शन आपको बताना है, यहाँ पे कहता है कि द स्टोरी इज ट्रू और इट इज ए वेड स्प्रेड रूमर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि नाइदर होगा या आइदर होगा, और तो होगा नहीं, क्योंकि और द स्टोरी ऐसा नहीं होगा, बट द स्टोरी ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों को कैंसिल कीजिए। अब आइदर और नाइदर में देखें, तो नाइदर के साथ आपने देखा होगा नोर आता है, तो यहाँ पे और आ रहा है, तो यहाँ पे आइदर आना चाहिए, बी हो जाएगा, इधर और नाइदर नोर, ये आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है वर्ब ऑफ द गिवन नाउन, आपके पास में हाइट दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, सिकर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब सिकर हो गया, तो ये तो क्या है, वर्ब है, तो इसका नाउन रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन में, हाइटन। ठीक है, तो हाइटन का मतलब होता है आपके पास में बढ़ाना,
किसी भी काम को क्या कर रहे हो, हाइट एंड ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये आपके पास में नाउन फॉर्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक बार अपलोड करने के बाद आप सभी लोग कैंडिडेट जैसे भी नए ज्वाइन होते हैं तो सभी को वो सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा नहीं है, उसे बार बार भेजना पड़ता है, इसलिए मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। जो भी नया कैंडिडेट आता है उसे फिर से चाहिए, तो सबको ये सब दिक्कतें होती है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपके उसके बाद ये पैसेज भी मैंने नीचे जोड़ दिया है, इसमें क्वेश्चन भी पैसेज के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आंसर की भी आपको है, यहाँ पे मैच करके आप पैसेज भी सोल्व कर लीजिएगा। बाकी जो भी आंसर है आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ अगर सब नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।